दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई की धमाकेदार जीत के बाद खुशी से उछल पड़े चिन्नाथाला सुरेश रैना। फिर एमएस धोनी से लेकर अजिंक्य रहाणे की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनकी बातों ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल छू लिया है। तो आखिरकार क्या कुछ कहा है सुरेश रैना ने चेन्नई की धमाकेदार जीत के बाद? क्यों उनका बयान लोगों को इतना पसंद आ रहा है? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे और एमएस धोनी में कौन इस जीत का असली हीरो है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर जहां पीला समंदर उमड़ पड़ा था, वहां अजिंक्य रहाणे तो कोलकाता के गेंदबाजों का करियर तबाह करने पर तुले हुए थे। वो सिर पर कफन बांध कर आए थे और आते ही उन्होंने सीधा चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप की, तो फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर एक ऐसा तबाही का मंजर दिखाया जिसे देखने वालों की रूह तक कांप उठी। दोस्तों, इस खास खिलाड़ी ने 6 खतरनाक चौके और 5 खौफनाक छक्के की बदौलत 71 रनों की आतिशी पारी खेली, वो भी केवल 29 गेंदों पर। ये सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके दम पर चेन्नई ने 20 ओवर में आईपीएल 2023 के सबसे बड़े स्कोर के रूप में 235 रन बना दिए थे। इतना ही नहीं, बड़ा स्कोर देख कर ही उनके पसीने छूट गए थे और कोलकाता के फैंस के तो अपनी हार नजर आने लगी थी, जब वेंकटेश अय्यर और नितेश राणा भी सस्ते में चलते बने। लेकिन जेसन रॉय के इरादे तो कुछ और ही थे। अचानक से रनों की रफ्तार में इजाफा करते हुए धोनी के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। जी हाँ, देखते ही देखते वो मुकाबले में कोलकाता की वापसी करा रहे थे। उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 5 भयावह छक्के और 5 चौके की बदौलत 61 रन बना भी लिए थे। लेकिन तभी एमएस धोनी दिखाते हैं कि अपना जलवा। गेंदबाजी में उन्होंने महेश तिक्षड़ा को बुलाया और इस गेंदबाज ने धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए जेसन रॉय को चलता कर उनकी जीत की सभी उम्मीदों को समाप्त कर दिया और अंत में चेन्नई ने 49 रनों से कोलकाता को कुचल के रख दिया। जहां रहाणे मैन ऑफ द मैच बने तो धोनी ने जमकर वाहवाही लूटी। अब वही चेन्नई की जीत पर खुद सुरेश रैना भी काफी खुश हैं। उन्होंने रहाणे की तारीफ करते हुए कहा कि अज्जू की बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद खुश हूं। हमेशा से वो शानदार खिलाड़ी कर रहा है, लेकिन ऐसा डाउनफॉल देखने के बाद जब आप इस तरीके से वापसी करते हैं तो आपको खुद पर गर्व होता है। वेल प्लेड अज्जू, उम्मीद है कि भविष्य में भी हम ऐसे ही शानदार पारियां देखेंगे। तो वहीं धोनी को याद करते हुए उन्होंने कह दिया कि माँ ही भाई की क्या ही बात करें, उनके बिना तो चेन्नई का वजूद ही नहीं है। हम सब का इतना नाम है, लोग हमें इतना पसंद करते हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। उन्हें हम सैल्यूट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लव यू माँ ही भाई, आप हमेशा मेरी पहली प्रेरणा और भाई की तरह रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुरेश रैना ने तो धोनी की बात करते हुए सभी का दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या धोनी चेन्नई को एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।